दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाकर हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले लें। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी सीक्रेट एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से यदि आपसे आपका मोबाइल कोई भी दोस्त या छोटा बच्चा ले लेता है, चाहे उसको आपका मोबाइल का पासवर्ड या पैटर्न पता ही क्यों ना हो, फिर भी वह आपके मोबाइल को खोलना तो दूर की बात, वह मोबाइल यूज़ ही नहीं कर पाएगा। चाहे वह मोबाइल की स्क्रीन को 1000 बार टच कर दे या मोबाइल के नीचे के 3 बटनों को या वॉल्यूम अप डाउन बटन को भी 1000 बार दबा ले, फिर भी मोबाइल यूज़ नहीं कर पाएगा। तो चलिए जान लेते हैं इस सीक्रेट एप्लीकेशन के बारे में। अब आप सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लें। ये मैं अपना ओपन कर चुका हूँ, ठीक है। वहाँ से टच ब्लॉकर नाम के ऐप को इंस्टॉल कर ले। इस ऐप का एक लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। मैंने इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। अगर आप इसे यहां से ओपन करना चाहें तो आप यहां से ओपन कर सकते हैं। मैं आपको फ़ोन में इसका आइकन दिखा देता हूं। इसका कैसा आइकन है ये देखिए, ये इसका ब्लू कलर का इसका आइकन है, ताले टाइप का, ठीक है। इसको अब मैं ओपन कर लेता हूँ क्लिक करके। ये देखिए, मैंने क्लिक कर दिया है, मेरा ऐप ओपन हो चुका है। ये फर्स्ट इंटरफेस इसका ऐसा ही होता है, ठीक है। नीचे देखिए बटन आपको दिख रहा होगा, इस बटन के ऊपर क्लिक कर दें जिस पर लिखा हुआ है इनेबल एप्लीकेशन, ठीक है। इसे इनेबल कर दें। अब ये बॉक्स आ गया है, इस बॉक्स के अंदर ओके को दबा दें। ये मैंने दबा दिया है, ठीक है। अब आप सबसे पहले ऊपर सेटिंग के अंदर चले जाएँ। इसकी सबसे पहले आपको सेटिंग सेट करनी पड़ेगी। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर जितने भी इनेबल्ड सेटिंग है उसे डिसेबल कर दें, जितनी भी आपको सेटिंग दिख रही है। ये देखिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, डिसेबल सारी सेटिंग। अब इसमें मैं आपको जोन सी भी सेटिंग करके दिखाऊंगा, वो बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग होगी। अगर आपको और सेटिंग कोई करनी है तो वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, डिसेबल हार्डवेयर की, इस वाली सेटिंग को इनेबल कर दें क्लिक करके। ये देखिए, क्लिक करते ही एक दूसरा पेज आ गया आपके सामने। यहाँ पर आपको टच ब्लॉकर को ऑफ है उसे ऑन करना पड़ेगा, उसे क्लिक कर दें ताकि ये ऑन हो जाए। अब यहाँ पर इसको भी क्लिक कर दें, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको भी इनेबल कर दें। अब नीचे ओके का बटन को दबा दें, ये इनेबल हो गया है। अब वापस से बैक चले जाएं, ठीक है। अब आप थोड़ा सा इसको ऊपर करें, ये ऊपर किया, थोड़ा सा और ऊपर करा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ब्लॉक ऑन प्रॉक्सिमिटी, इस वाली सेटिंग को भी इनेबल कर दें। अब थोड़ा और नीचे चले जाते हैं, यहाँ पर देखिए मेन सेटिंग यहाँ पर है कि पासवर्ड आपका, मतलब ये लॉक खुलेगा कैसे, ये जो स्क्रीन ब्लॉक करेगी ये खुलनी कैसे है। इसके अंदर देखिए दो ऑप्शन है, पहली सेटिंग तो है वॉल्यूम प्रेस अनलॉक, दूसरी सेटिंग है वॉल्यूम होल्ड अनलॉक। ये दोनों ही सेटिंग सबसे बेस्ट है। अब जैसे आप जोन से भी दोनों सेटिंग होंगे, नीचे आपको एक एक ऑप्शन दिख ही रहा होगा। अब जैसे सबसे नीचे वाली सेटिंग के साथ एक ऑप्शन है वॉल्यूम अनलॉक टच ड्यूरिंग, मतलब इसके अंदर आप टाइम सेट करें कितने टाइम तक आप वॉल्यूम का बटन दबाए रखेंगे जब ये लॉक खुल जाए। फर्स्ट वाले के नीचे देखिए वॉल्यूम अनलॉक प्रेस काउंट, इसका मतलब यह है कि आपका वॉल्यूम का बटन कितनी बार दबाने पे आपकी स्क्रीन अनलॉक हो जाए। मेरे को 5 पसंद है, मैंने 5 वाले पे क्लिक कर दिया। आपको जो सा पसंद है आप उसे सिलेक्ट कर लें। अब फर्स्ट वाली सेटिंग को इनेबल कर लेते हैं, मैं ये वाला लॉक मुझे पसंद है। इसे इनेबल करने के बाद अब ऊपर सेंसर के ऊपर 1 सेकंड के लिए उंगली रख दें, क्योंकि ये सेंसर से ही एक्टिवेट होता है। अब ये देखिए एक्टिवेट हो चुका है, ये ताला आपको दिख रहा होगा। ये अब आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं कोई कर सकता, आप चाहे जितनी बार भी उंगलियाँ मार ले इस पर, या कोई बैक का बटन, होम बटन, पावर बटन, वॉल्यूम बटन, कोई बटन नहीं चलेगा। आपको जिसको भी ये फ़ोन देना है ऊपर सेंसर के ऊपर सिर्फ 1 सेकंड के लिए फिंगर टच कर दें, ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। अब ये देखिए, जैसे ही मैंने अपनी वॉल्यूम बटन को 5 बारी दबाया, चाहे अप हो चाहे डाउन हो, जोन सा ही मैंने दबाया, तो ये ऑटोमेटिकली लॉक आगे सामने से हट गया स्क्रीन से। अब नॉर्मली स्क्रीन वर्क कर रही है। अब इसकी सबसे ज़्यादा मेन और इम्पॉर्टेंट सेटिंग आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए डिम स्क्रीन व्हेन ब्लॉक्ड, इस सेटिंग को इनेबल कर दें। जैसे ही आप इनेबल करेंगे इसको तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, इस वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर दें। ये मैंने देखिए जैसे क्लिक कर दिया है, इसे क्लिक करते वापस बैक चले जाएं और वापस से सेंसर के ऊपर 1 सेकंड के लिए उंगली रख दें, तो ये ऑटोमेटिकली देखिए लॉक लग गया। अब आपकी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक हो गई है, ब्लैक स्क्रीन हो चुकी है। अब कोई भी पर्सन होगा ये सोचेगा कि स्क्रीन ख़राब हो गई है, कोई सा ही बटन दबाओ कुछ वर्क नहीं कर रहा, पूरी की पूरी स्क्रीन ब्लैंक है।
और ये पासवर्ड सिर्फ आप ही को पता होगा, किसी भी अदर पर्सन को नहीं पता चल सकता क्योंकि पासवर्ड इतना यूनिक है। और तो और किसी को ये भी नहीं पता होगा कि ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लॉक लगा हुआ है कि ताकि कोई टच ना कर सके। आप जैसे इसके अंदर अपना पासवर्ड डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बिल्कुल नॉर्मल काम करने लगेगी, है ना। ये एक सबसे यूनिक एंड बेस्ट एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को जब भी आप इनेबल कर देंगे तब उसके बाद आप अपने फ़ोन से इस एप्लीकेशन को कंटिन्यू रनिंग पे छोड़ना, इसे हटाना मत। जैसे बैकग्राउंड में रनिंग पे चलती रही ये एप्लीकेशन तभी ये सही ढंग से वर्क कर पाएगी। आप जैसे ही रनिंग से हटा देंगे तो आपको दोबारा से इस सारी सेटिंग को रीसेट करना पड़ेगा, मतलब इनेबल करना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखें, इस सेटिंग को आप बैकग्राउंड से ना हटाएं। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।